अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका मेजबान दाऊद और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी पे क्या करूं। वैसे आप लोग सोचते काम नहीं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. गांव जा रहा था आज और मैं जो गांव है वो है शेखुपुरा में। शेखुपुरा में गांव है कोटला पंजू पे, उधर जाने की तैयारियां हो रही थी। उधर जाना था मैंने आप लोगों के साथ, इस मोबाइल के साथ बना दूं। इस मोबाइल का जो कैमरा है वो लास्ट पे चेक कर लिया जाए, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स में जाके लूंगा और काफी सारे शॉट लूंगा मैं। तो बेसिकली मेरे साथ रहिएगा, मेरे सारे शॉर्ट्स देखिएगा और चलते हैं फिर आगे और देखते हैं कि फिर कौन कौन सी शॉर्ट्स लिए जा सकते हैं। दोस्तों, तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि मेरे कपड़े चेंज हैं और मेरे कपड़े इसलिए चेंज हैं क्योंकि जब मैं अभी जो वीडियो देखने वाले हैं आप, उसमें मैं बस ट्यूबल के अंदर मुंह धोने लगा था और वीडियो बनाने लगा था तो अचानक ही पाउंड स्लिप हो गया मेरा और मैं तरह लैसे नीचे। अब क्या हुआ कि जो जूती है वो मेरी उतर गई और जूती यहाँ पे असल में क्या होता है कि जो ट्यूबल है ना एक खोदी नहीं बनी होती, बल्कि मतलब एक तरफ अगर ट्यूबल चल रहा है तो दूसरी तरफ आपको पानी वहाँ पर जाके मिलेगा, जहाँ खेतों में जाके मिलेगा। अब क्या हुआ कि बेसिकली मेरी जो जूती है ना वो उतर गई थी और उसके पीछे मैं भागा और उसे पकड़ने ताकि वो गुम ना हो जाए। अगर वो उस सड़क के नीचे चली जाती तो उसके बाद मुझे नहीं मिलनी थी। उसके बाद गांव में कच्चू कुमा, जिसे टर्टल भी कहते हैं, वो भी देखने को मिला मुझे। उसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली हैं क्योंकि ये लास्ट व्लॉग है मेरा एक मोबाइल के साथ, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा सा अच्छा व्लॉग हो, डेट्स वे के ये सारी चीज़ें वगैरह बना रहा हूँ। और बाकी खेतों का व्यू और दूसरी चीज़ें जैसे कि सिनेमैटिक शॉट्स वो मैं आपको इंशाल्लाह इसके बाद दिखाता हूँ। और वीडियो पूरी देखिएगा, सब्सक्राइब चैनल को, लाइक चैनल को और 700 का टारगेट बनाता हूँ मैं आज। तो दोस्तों, आपने गांव का व्लॉग तो देख ही लिया होगा और उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा।
मैं गांव पे खामोशी या फिर सुकून हासिल करने आता हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इतनी अच्छी स्टेबलाइजेशन कैसे आ सकती है मोबाइल से। अगर किसी का सवाल है इस चीज़ का, तो मैं बताता हूँ कि मैं गिम्बल इस्तेमाल करूँ। ये मेरे हाथ में गिम्बल है, जिसका मैंने पहले ही व्लॉग बना चुका हूँ, ज़ेज़ून स्मूथ 4, जो कि चलते हुए बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन देता है। उसके अलावा यार, ये गांव में आप ना, मतलब जिसका गांव नहीं है, वो यकीन करो कि मिस करता होगा कि यार गांव में जो व्यूज़ हैं, उसके अलावा जो आवाज़ है रात को, जो परिंदों की आवाज़ें आती हैं, जैसे कि उल्लू की आवाज़ें, जो लाहौर में कभी सुनने को नहीं मिल सकती हैं आपको, वो आपको यहाँ पर सुनने को मिल सकती हैं। उसके अलावा अगर किसी को शौक है तो जाए, जाके घूमे फिरे, बिकॉज यार घूमने फिरने से इंसान का जो माइंड है ना, वो फ्रेश हो जाता है। अब जैसे मैं गांव आया हूँ, तो मेरा दोबारा व्लॉगिंग करने का शौक हुआ था, तो मैं दोबारा यहाँ पे आके व्लॉगिंग करना शुरू कर दी भी गांव में। और उम्मीद है कि जो नेक्स्ट व्लॉग मेरा होगा, वो मेरे न्यू मोबाइल पोको X3 NFC से ही होगा। और मैं जो लास्ट जो मेरा क्वालिटी है और वॉइस क्वालिटी, उसके अलावा जो मेरी वीडियो क्वालिटी, वो आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट जो होगा इंशाल्लाह, उससे व्लॉग बनाऊंगा। तो बेसिकली यार, जो पोको X3 है, उसकी सारी मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स बाद में, नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे साथ मेरा भाई, छोटा भाई, जो कि जिसकी अभी आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी। तो बेसिकली यार, यही था आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाना मत भूलना मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। आपका मेज़बान दाऊद, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।